दिया? हाँ भाभी, ये ले। इसमें क्या है? अरे अब तक जितने भी लड़कों के रिश्ते आए ना तेरे लिए, उन सब के फोटोग्राफ्स है। क्या भैया, मैंने आपसे मना किया था ना, मुझे ये शादी वादी नहीं करनी है, फिर से वही बात शुरू कर दी। आराध्या तुम बहस मत करो, तुम्हारी अभी शादी की उम्र हो चुकी है, अच्छे घर से रिश्ते आ रहे हैं तो इसमें हर्जी क्या है? क्या भैया, सुबह सुबह फिर से वही बहस। अरे तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बोल दो, उनसे शादी करवा देंगे। भाभी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी प्लीज। अरे बात नहीं करोगी तो पता कैसे चलेगा? अरे वो कौन है खुशनसीब जिसे तुम प्यार करती हो? भैया ही इज आयुष, हम लोग ऑफिस में साथ काम करते हैं। अच्छा तो तुम आयुष से प्यार करती हो, ये बात उसे पता है? हाँ भैया। तो फिर बात खत्म, उनको घर बुला लो, हम लोग मिल लेते हैं, क्यों? जी नहीं नहीं भाभी, हम इतने जल्दी शादी करना नहीं चाहते। अरे वकील साहब आप ही समझाओ अपनी बहन को, आखिर ये करना क्या चाहती है? आराध्या काजल सही कह रही है, तुम क्या करना चाहती हो? भैया मैंने और आयुष ने सोचा है कि मैं और आयुष हम लोग थोड़े वक्त के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। क्या मतलब? बिना शादी के एक साथ रहोगे तुम लोग? हाय राम। भाभी आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, जिस इंसान के साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है उसके साथ अगर मैं लिव इन में रह लूं तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? आजकल सब यही करते हैं। दूसरों का नहीं पता लेकिन हम तो ऐसे नहीं है, जरा हमारे बारे में भी सोचो। इस शहर के सबसे बड़े वकील कमलकांत की बहन लिव इन रिलेशन में रहेगी, इसीलिए मैं आप सबसे ये बात करना ही नहीं चाहती थी। मुझे पता था कि आप और भैया मुझे नहीं समझोगे, वरना मैंने और आयुष ने तो कब का सोच के रखा है। देखो आराध्या ये बहुत बड़ा फैसला है, हम ऐसे ही हाँ नहीं कह सकते, क्या हमें कल तक का वक्त मिलेगा? श्योर भैया, वाई नॉट, ये भी कोई पूछने की बात है? आप भी ठीक है, तो कल बात करते हैं, मैं कोर्ट के लिए निकलता हूँ, बाय बाय। कमल मैं तो अब भी मना कर रही हूँ। देखो काजल, हमने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा, तुम चिंता मत करो। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भाभी। भैया आपने क्या सोचा? बेटा हम दोनों ने सोच लिया है कि तुम आयुष के साथ रह सकती हो, लेकिन 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 क्या भैया? लेकिन उसके लिए तुम्हें आयुष को घर पर बुलाना होगा। वाओ दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। मैं आज ही शाम को आयुष को घर पे बुलाती हूँ। लेकिन अब तुम जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हो, बाय। ठीक है भैया, बाय, शाम को मिलते हैं, गुड बाय। कमल हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, मुझे आराध्या पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो लड़के को घर पर बुलाया है। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगेगा तो हम मना कर देंगे, ठीक है? ओके बाबा, ओके ठीक है, ओके चलो चलो। मिस्टर आयुष आप लिव इन में क्यों रहना चाहते हैं? सर आराध्या ने आपको बताया ही होगा कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मगर मगर क्या? मैम मैं और आराध्या एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हम एक दूसरे को करीब से जानना चाहते हैं, इसलिए हम लिव इन में रहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना आयुष, उस दौरान अगर तुमने मेरी बहन को शारीरिक या मानसिक पीड़ा दी तो कायदे कानून में तुम मुझसे नहीं पहुंच पाओगे, इतना याद रखना। नहीं सर ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है तो तुम दोनों कब से साथ में रहोगे? भैया आपकी परमिशन हो तो कल से ही। ठीक है, थैंक यू, तुम लोग रह सकते हो। थैंक यू सो मच भैया हम लोगों को समझने के लिए। ठीक है आराध्या कल ही तुम्हारे घर आ जाएगी। ठीक है? ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, चलो अब मैं निकलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते भैया, मैं आयुष को गेट तक छोड़कर आती हूँ। हाँ जी जी।
कमल, मैं तो आज ही अपना व्हाट्सएप और फेसबुक बंद करवा दूंगी। क्यों? अरे क्यों क्या, सब पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी मैं, कितनों का मुंह बंद करवाऊंगी मैं। काजल सोचो, वो हमें बिना बताए भी आयुष के साथ रह सकती थी, लेकिन उसने हमारी परमिशन ली, उसने ऐसा नहीं किया। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। क्या मैं हूं, इसी बात की तो चिंता है। अरे तुम चिंता मत करो। हाय भैया। हाय भाभी। भाभी भाभी कहाँ हो आप? भाभी बाहर तो आइए। मैं बिजी हूँ। अरे भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं और आयुष शादी करने वाले हैं। अरे वाह क्या बात है। क्या आराध्या सच में? हाँ भाभी। अरे वाह, आप तो चुप ही रहो, दोनों भाई बहन मिलके मुझे चुप करा देते हो। अरे आराध्या ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ बहुत अच्छा किया। क्यों भाभी आप तो बिजी थी ना? अरे मैं अपनी ननद की शादी में बिजी नहीं रहूंगी, तो क्या पड़ोस की शादी में बिजी रहूंगी? तो आप दोनों ने डिसाइड कर ही लिया कि शादी करोगे? हाँ भैया, हमें एक दूसरे के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, लाइक परफेक्ट कपल। अरे जल्दी करो, पंडित जी को भी बुलाना है, शादी का मुहूर्त निकालना है। अरे लेकिन तुम तो फोन छोड़ने वाली थी। अरे आप भी छोड़ो ना, कुछ दिन इन लोगों ने साथ रह लिया तो क्या पहाड़ टूट पड़ा, कुछ दिन इन लोगों ने साथ रह लिया तो क्या पहाड़ टूट पड़ा। वाह, आप दोनों यहाँ गार्डन में बैठ के मजे ले रहे हो और वहाँ मेरी जिंदगी दाव पर लगी है। पर हुआ क्या, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? अरे आराध्या हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। भैया मैं आयुष का साथ नहीं रहना चाहती। पर हुआ क्या है वो तो बताओ। भैया मैंने आयुष से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, हम लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, और इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि बस अब मुझे डिवोर्स चाहिए। अरे पागल हो गई हो क्या? वकील साहब आप ही अपनी बहन को समझाइए। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, भैया आप मेरी मदद करेंगे ना? पागल हो तुम, कमल खुद अपनी बहन का रिश्ता तोड़ेंगे। भाभी ये मेरे भैया होने के साथ साथ एक लीगल एडवाइजर भी है, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। देखिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, शादी से पहले भी तो ये लोग 6 महीने साथ में रह चुके हैं ना, तब तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो आज ऐसा क्या हुआ जो आज ये लोग तलाक लेना चाहते हैं? बोलो तुम। भाभी शादी में और लिव इन में बहुत बड़ा फर्क होता है, पहले वो मेरा दोस्त था अब वो मेरा पति है। भैया आपने मेरी हर चीज मानी है, हर बात मानी है, आपको मेरी ये बात भी सुननी पड़ेगी, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। भैया भाई के लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ रखा है। भाभी प्लीज आप तो चुप ही रहिए, आपको क्या पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। आपके लिए होगी ये शादी वादी 7 जन्मों का बंधन, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं, समझे आप? मेरे मामले में आप दखल अंदाजी मत दीजिए। और हाँ आप तो कभी चाहती ही नहीं थी कि मेरी कभी शादी भी हो। टेक आउट। मैंने क्या कहा सुना नहीं? मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुम अपनी भाभी की इज्जत करो या ना करो, लेकिन मेरे घर में मैं अपनी बीबी की बेइज्जती सह नहीं सकता, इसलिए तुम इस घर से निकल जाओ। गेट आउट। आप भी छोटी सी बच्ची हो, मत करो ऐसा। ये क्या किया आपने? जो किया वो सही किया। ओह आ गई तुम, मिलके आ गई अपने भैया से, इस शहर के सबसे बड़े वकील कमलकांत मेहता। डिवोर्स के पेपर बनवा लिए तुमने? अरे ये क्या, तुम तो रो रही हो, मुझे लगा तुम्हें तो सिर्फ दूसरों को ही रुलाना आता है। फोन, तुम्हारे भैया का फोन। हेलो, हाँ मतलब, अरे मेरी बात तो सुनो। सुना तुमने, तुम्हारे भैया ने लीगल नोटिस भेजा है, हम पर मानहानि का दावा किया है, तुम वहां जाके मेरे बारे में क्या बोल के आई हो? मानहानि का दावा? हाँ आयुष जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, चलो चलो हम भैया के घर चलते। हाँ हाँ चलो।
ये सब क्या है वकील साहब? भैया आप करना क्या चाहते हो? पता नहीं तुमने, लेकिन आपने ऐसा झूठा आरोप हम पर क्यों लगाया? तुम्हें झूठा आरोप लगता है? बताओ, तुम्हारी शादी में मैंने इतने पैसे खर्च किए कि मुझे लगा कि मेरा मान बढ़ेगा। तुम्हारी इस तलाक की वजह से मेरी मान की हानि हुई ना, और तुम्हारी बीबी ने मेरी बीबी का अपमान किया है, उसका भी एक केस बनता है, डोमेस्टिक वायलेंस। इसीलिए हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। भैया आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ पता भी है? चिल्लाओ मत। चुप रहिए आप, आपको नहीं लगता आप मेरी आराध्या का अपमान कर रहे हो? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, और मैं आराध्या को कुछ नहीं होने दूंगा। अगली मुलाकात हमारी कोर्ट में होगी। चलो आराध्या। रुको, एक दूसरे से अलग होने वाले कब एक हो गए ये पता ही नहीं चला। यही तो है इस रिश्ते की अच्छी पहचान। सुनो, शादी से पहले कोई जोड़ी परफेक्ट नहीं होती, कभी भी शादी के बाद तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं होती, हमारी प्रॉब्लम बना के उसको सॉल्व करना पड़ता है। लिव इन में जिम्मेवारी नहीं होती, लेकिन शादी में समझदारी जरूर होती है। यही तो रिश्ते की बुनियाद है। तुम दोनों ने शादी के बाद भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने की कोशिश की, लेकिन जब मुसीबत आई तो दोनों कैसे एक हो गए? इसका क्या मतलब है भैया? यही तो सीखना है। आयुष, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर, और बहन मुझे तुम्हारी समझदारी पर कोई शक नहीं, लेकिन तुम दोनों को साथ में लाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं तुम दोनों पर कोई केस नहीं कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी भैया, हमसे गलती हो गई। हाँ, हम रिश्तों का अर्थ ही नहीं समझ पाए। हमारी गलती जरूर है, लेकिन अब हम ये सब समझ गए और हम दोनों अब साथ में ही रहेंगे। जज साहिबा, अब तो मेरा फैसला ठीक है ना? अरे मैंने कब कहा कि ठीक नहीं है। Yeah.